हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी तक आपके जो हमारे दो व्लॉग्स थे आपने उसमें देखा होगा कि हमने क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया। अगर नहीं देखा तो आप जाके वापस से देख सकते हो। आज का हमारा एजेंडा है टू गो फॉर अ बॉक्सिंग डे सेल। सो बेसिकली बॉक्सिंग डे क्या होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी डील्स आती हैं। मैंने सुना है कि हर चीज़ आपको बहुत अच्छे सेल पे मिलेगी, लाइक 20% ऑफ, 30% ऑफ और कुड बी बेटर देन दैट। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी बॉक्सिंग डे सीरीज देखी है बिकॉज ही वॉज इन कैनेडा अर्लियर। मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं स्टोर्स में जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी और मैंने लाइन ने बहुत लंबी लंबी देखी थी, तो मुझे नहीं पता भी क्या होगा। बट प्लान अभी यही है, हमें घर के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अगर हम एजेंडा वाइज जाएंगे तो हमारा प्लान क्या है हमें घर के लिए, हमने नया ही मूव किया है कॉन्डो में, कभी दिखाएंगे आपको अपना घर भी। तो अभी हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ अभी बेड आया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस घर में। वी नीड सोफा। सो हमारा पहला मेजर प्लान है, कपड़े लेने से पहले हमें जाना है, सोफा वगैरह देखना है इस घर के लिए। बहुत घर की आइटम्स हमें चाहिए। इससे पहले हम आइकिया गए थे, आइकिया में हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, मुझे आइकिया में कुछ खास नहीं मिला। बट आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि आज बॉक्सिंग डे पे एटलीस्ट कुछ हमें इस घर के लिए मिल जाए। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, विल टेक यू अलॉन्ग विद दैट। सो लेट्स गो एंड टेक यू अलॉन्ग विद आवर जर्नी। सो वी आर ऑन अ वे फॉर फर्नीचर हंटिंग। मिसिसागा में पहले जा रहे हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और एक और चीज़, अभी मैं ना विकिपीडिया पे पढ़ रही थी व्हाट बॉक्सिंग डे इज, बिकॉज माय हस्बैंड इज टेलिंग तुम्हें पूरी हिस्ट्री पता नहीं है और तुम सीधे सेल के बारे में बता रही हो। सो आई वॉज रीडिंग ऑन विकिपीडिया दैट कि बॉक्सिंग डे एग्जैक्टली क्या होता है, कि वहाँ पर लिखा था कि आफ्टर क्रिसमस डे दे बेसिकली गिव गिफ्ट्स, तो अच्छी डील्स मिलती हैं उस टाइम पे। हमारे अलावा कनाडा में हमारा इस टाइम पे कोई भी नहीं है जिसको हमें गिफ्ट करने वाले हैं, तो हम अपने घर को गिफ्ट करेंगे नया फर्नीचर। लेट्स होप कि मुझे कुछ मिल जाए, बिकॉज आई थिंक हमें एक हफ्ते से ऊपर हो गया है कि हम लोग सोफ़ा ढूंढ रहे हैं, बट हमारे घर के मेजरमेंट्स के हिसाब से या फिर कॉस्ट कंस्ट्रेंट के हिसाब से अभी तक हमारे घर में सोफ़ा नहीं आया। दो वो हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं थी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी टू बाय अ बेड, जो हमने आई थिंक सेकेंड डे ही बाय कर लिया था एंड इट वॉज अ गुड डील। अभी आज हम आई थिंक वापस वहीं जा रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं उसी स्टोर पे हम लोग जा रहे हैं। सो लेट्स सी कुछ मिलता है या नहीं, आई डोंट नो। मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी कि नहीं, अगर कुछ दिखा कुछ कि भाई अच्छी डील है देन ओनली आई शो इट टू यू पीपल, अगर नहीं मिला कुछ तो सॉरी। सो पहले स्टोर पे हम जाके आ गए, दो आई एम बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपके माइंड में एक होता है कि भाई मुझे अपने घर में एक ऐसी चीज़ चाहिए। प्लान कभी नहीं करना चाहिए बिकॉज प्लान के अकॉर्डिंग कुछ जाता नहीं है, क्योंकि जब हम बेड लेने आए थे तब भी प्लान दिमाग में कुछ और था पर लिया कुछ और। बट एट दैट टाइम व्हाट वी बॉट आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड बाय दैट। सोफा देखने गए, इट्स लाइक कि जो मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो कम्फर्टेबल हो बट वो पर्पज भी सर्व करेगी एटलीस्ट बैठने में उतना कम्फर्ट हो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सेट इन अ बेडरूम। और कॉन्डो वाले घर में आप रहते हैं तो आपको पता है कि भाई आपको बाहर सोफे पे ही यू हैव टू सेट व्हेन यू आर लाइक, आपको जब टाइम पास करना है या कुछ भी टीवी देखना है तो आपको सोफे पे बैठना पड़ेगा, तो वो कम्फर्ट भी चाहिए। तो कम्फर्ट वाला मुझे अभी कुछ मिला नहीं है यहाँ पे, हम लोग जाके आए हैं। प्राइजेज आर गुड, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइजी है या कुछ ऐसा है, बट नॉट सो मच हैप्पी। किसी और स्टोर पर चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या मिलता है। सो नाउ वी आर गोइंग समवेयर, 12 मिनट्स दूर है यहाँ पे, लेट्स सी। स्टोर के अंदर मैंने शूट नहीं किया बिकॉज मुझे ऐसा था कि मे बी स्टोर वाले कंफर्टेबल हो या ना हो कि हम दिखा रहे हो। और ये स्टोर हमने देखा था टिकटॉक से एंड वर्थ है यहाँ पे आना इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड। मैं पिक्चर डाल दूँगी यहाँ पर, आप जाके देख सकते हो। प्राइजेज आर गुड, फर्नीचर भी अच्छा है, बट सोफ़ा जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हमने यहाँ से भी कुछ लिया नहीं। बाकी पूरा दिन पड़ा है सारा एक्सप्लोर करने के बाद, कोई पता नहीं कि वापस वहीं ना जाना पड़े, बट अभी के लिए आई एम नॉट बाइंग एनी सोफ़ा राइट नाउ। स्टोर जो हमें कवर करने हैं दैट्स द ब्रिक और दूसरा है माय फर्नीचर, तो जाके देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। शूट मैं नहीं करूँगी अंदर जाके, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली आई प्रेफर
कि भाई स्टोर वाले कई बार नहीं प्रेफर करते कि भाई आप अंदर जाके शूट करो, तो वो नहीं करेंगे। पसंद आ गया जो फाइनली लेंगे वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। सो लेट मी जस्ट भागने दो मुझे अंदर, क्योंकि अंदर है बड़ा रश। आई रियली होप यहाँ कुछ मिल जाएगा। सेविंग सॉन्ग बाकी देखते हैं आगे। देखिए अभी कुछ खास मतलब कंपैरिजन चल रहा है। पसंद सबसे फनी पार्ट ये था कि जो नहीं चाहिए था वो बहुत सस्ता था, जो चाहिए था वो बहुत महंगा था। सो राइट नाउ कंपैरिजन चल रहा है बिटवीन स्टोर्स, बिकॉज अभी लगभग 2 बजे दोपहर के एंड काफ़ी टाइम है हमारे पास शाम तक। देखते हैं, घूमते फिरते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टोर्स हैं, सब में जाएंगे देखेंगे जहाँ प्राइसिंग बेटर लगे और क्वालिटी वाइज बेटर हो, उसमें से फिर हम लोग एंड में चूज़ कर लेंगे। And we have reached our next location, that is my furniture. चलो देखते हैं, bye. Okay, so finally पूरे दिन के hectic trip के बाद हम लोगों ने furniture लिया। I think 5 या 6 stores घूमे जिसमें इन्हें कोई पसंद नहीं आया, but finally after made lots and lots of लड़ाई and finally थोड़ी बहुत मैंने अपनी चलाई, then because मैंने चलाने के लिए बोली। Because she was like कि थोड़ा बड़ा सोफ़ा लेंगे, लेकिन जो बड़े सोफ़े हैं वो घर जो अपने बड़े होते हैं जैसे डिटैच होम से बड़े, उनके लिए चलते हैं। अब कॉन्डोज में छोटे साइज़ के ही चलेंगे जो पसंद नहीं थे ने, लेकिन इन द एंड हमें फाइनलाइज तो करना था। सो वी बॉट अ सोफ़ा बेड, इट वॉज़ अ क्वाइट अ गुड डील ऑन बॉक्सिंग डे, और साथ में कॉफ़ी टेबल भी हमें मिल ही गया फाइनली। सो या पेमेंट्स वगैरह सब कुछ डन करके हम लोग बाहर आ गए हैं एंड अब जस्ट कल वेट है, कल शायद शाम के अराउंड डिलीवरी आ जाए। सो डिलीवरी भी इन्होंने इंक्लूड करके दिया, दे आर गुड गाइस। सो उन्होंने बॉट अ फर्नीचर फ्रॉम दिस प्लेस, यू कैन शो इट। ओके, सो वी विल शो यू वेयर वी बॉट दैट। सो दैट्स अ प्लेस, जेआरवी फर्नीचर एंड मैट्रेस इन ब्रैम्पटन, सो वेयर वी बॉट दैट। सो इफ यू गाइस कैन आल्सो कम ओवर देयर, दे प्रोवाइड गुड डील्स इन फर्नीचर एंड हैव वेरी गुड क्वालिटी एज वेल एज वैरायटी। On our way to Dollarama से हमें कुछ चीज़ें लेनी है एंड अब तो सबको पता है कि भाई कैनेडा में आप जब होते हो तो आपको पेट्रोल खुद से भरना पड़ता है। Back home after a long and hectic day. Shopping. Grocery. लेने हम एक चीज गए थे, लेके हम चाह रहे हैं। ये मेरा हमेशा से रहा है सोफा। फर्नीचर हंटिंग जिस पे गए थे वो काम तो हमारा पूरा हो गया है, सो दैट्स द गुड थिंग। सोफा भी हो गया, टेबल भी हो गया, सब कुछ हो गया है। नाउ वी हैव टू बुक एलिवेटर डिफरेंस क्या होता है कि आपको सोफा एक पीस में नहीं मिलता, आपको मिलता है 1, 2 एंड दिस इज द थर्ड वन। आपको 3 pieces में 3 or 4 डिपेंड करता है सोफे का साइज क्या है। तो आपको यहाँ पे यू विल गेट फर्नीचर इस तरीके से। तो अभी हम इस सोफे को करने वाले हैं असेंबल, सो मिलते हैं सोफा असेंबल करने के बाद।
So finally we have reached the end of our video. So far assembly has been done. बहुत मुश्किल काम था. It took us more than 1.5 hours. Maybe उससे भी ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन हम लोग यही करते रहे. Point वो था कि हमने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है. So we didn't have any experience. But it was fun doing new things, new challenges. नई जगह के साथ नई चीज़ें तो आती हैं भाई. But आपको एक चीज़ करनी है. ये और ये तो फटाफट से कर लो. आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए. कीप शेयरिंग आवर वीडियो. कीप लविंग अस. कीप सपोर्टिंग अस. बाय.